सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह के ठेका मजदूरों की जो हड़ताल है लगातार चलती चली आ रही है। साथ ही आज हम राजनगर ओपन कास्ट माइंस में आए हैं, जहां पर अंडरग्राउंड में काम करने वाले मजदूर और सरफेस में काम करने वाले वो ठेका मजदूर जो कि कहीं ना कहीं पर इस हड़ताल के लिए आज बाध्य हुए हैं, क्योंकि लगातार एक लड़ाई जो लड़ी जा रही है जिसे हम कहते हैं कि राजपत्र लागू करो। राजपत्र का वो सिस्टम जिसे बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया, बनाया गया उस कानून को जो कि मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या देखी जा रही है कि राजपत्र को लेकर के चाहे प्रबंधन हो चाहे ठेकेदार हो, कहीं ना कहीं पर अपनी बातें तो रखते हैं, अपनी बात तो करते हैं कि हमने जो है तो सब कुछ जारी कर दिया है, लेकिन वो होता कहाँ पर है? वो सिर्फ कागजों तक सीमित होता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं यहाँ पर कि जिन्हें लेकर के यहाँ पर हड़ताल जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है तो देख रहे हैं आपकी अभी हमने हाल फिलहाल जितनी भी खबरें अभी तक दिखाई हैं पूरे इस सप्ताह में, उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हड़तालों का दौर चल रहा है। तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि जब जिला प्रशासन भी जो है तो नींद से नहीं जाग रहा है, यहाँ तक कि प्रबंधन भी नींद से नहीं जाग रहा है, क्योंकि इतनी हड़तालें होने के बावजूद भी आपको बता दूँ कि कहीं पर मुआवजे को लेकर के हड़ताल है, तो कहीं पर क्षेत्रीय कामगारों को लेकर के, तो कहीं पर अपने उस अधिकार की लड़ाई है जिसे लेकर के लगातार ये हड़तालें चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रबंधन इन सब विषय वस्तु को लेकर के क्या वाकई जांच पड़ताल करता है या नहीं? जिला प्रशासन को इतने सारे पत्र दिए गए, पत्राचार किया गया, तो जिला प्रशासन से अभी तक कोई भी व्यक्ति इन सब मामलों को लेकर के आगे नहीं बढ़ा है। तीसरी तरफ यहाँ लेबर कमिश्नर पे भी इन सब मामलों को लेकर के जो है तो पत्राचार किया गया है। अब देखना यह है कि किस तरह के सवाल जवाब होने वाले हैं और क्या अगली कड़ी होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर जो है तो स्थितियों को देखते हुए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर ये लड़ाई है किस विषय को लेकर के और क्या क्या इनकी मांगे हैं। तो चलिए जानते हैं राजनगर ओपन कास्ट माइंस में जो हड़ताल चल रही है उसमें सबसे बड़ा पेच क्या फंसा हुआ है और इनकी यहाँ पर जो मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर लगभग सभी ड्राइवर और मजदूर जो है तो एकत्रित होकर के आज इस हड़ताल को जो है तो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है तो यहाँ ड्राइवर यूनियन विंग के नेता राजकुमार पुरी, जिसे जो है तो जानते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे कि स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं। राजकुमार पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुबह से जो आप लोगों की हड़ताल चल रही है तो इसमें अभी तक क्या बातचीत हुई, अधिकारी आए या नहीं आए? फिलहाल तो हम लोगों की जो ये चक्का जाम हड़ताल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि हम लोग सुबह से अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं कि हमारा जो अधिकार है 8 घंटे की ड्यूटी, हाई पावर कमेटी का पेमेंट, मेडिकल, VTC, बोनस मिलना चाहिए, PF मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो था हमारा वो था कि स्थानीय 70% लोगों को भर्ती होना चाहिए, जो भारत सरकार की नीति है। लेकिन सुबह से लेके अभी तक सिर्फ हम लोगों को डराने का काम किया जा रहा है और यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है। बाकी अभी निर्णायक बातें कुछ भी अधिकारियों के तरफ से या ठेकेदार की तरफ से कुछ भी ऐसा निर्णायक मतलब चर्चा अभी तक नहीं हुई। नहीं तो जो कुछ अधिकारियों से जो है आपकी वार्तालाप भी चल रही थी कि 8 घंटे को लेकर के और वेतनमान को लेकर, उसमें क्या जवाब आया? 8 घंटे के लिए उनका कहना है कि 8 घंटे चल रहा है जो चल रहा है 8 घंटे। हाई पावर कमेटी का पेमेंट है, उनका कहना है कि हम दे रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर कंप्लीट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर उन लोगों के कंप्लीट हैं जो खदान में काम ही नहीं करते। जो खदान में काम करता है उसको आज भी वही 600 रुपये 500 रुपये मिल रहा है, लेकिन इनके पेपर में हाई पावर कमेटी का पेमेंट ये क्लियर शो करके रखते हैं कि हम इतना दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो जैसे अगर ओपन कास्ट माइंस है तो इस माइंस को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स होंगे ना? ओपन कास्ट माइंस को चलाने के लिए तो बहुत सारे रूल हैं, थोड़े मोड़े भी नहीं, माइनिंग रूल बहुत सारे हैं। जैसे कि बिना मेडिकल VTC के एक भी बंदा खदान के अंदर नहीं जाना चाहिए होता, लेकिन विगत 1.5 महीने से बिना मेडिकल VTC के प्रोसीजर में है, मतलब प्रोसेस में है कि हम इसको प्रोसेस में दे दिए हैं, अब ये होगा। लेकिन होगा क्यों? बिना हुए तो अंदर जा ही नहीं सकता था मजदूर, फिर ये 1.5 महीने से कैसे चल रहा है? इनका भी फॉर्म जरूरी होता है भरना, इनका टाइम ऑफिस में हाजिरी लगना चाहिए।
टाइम ऑफिस में इनका इन और आउट होना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि ये व्यक्ति खदान में काम करता है। मेडिकल बीटीसी जरूरी है ताकि उसका पीएम और ये बोनस वगैरह मिल सके, लेकिन कुछ भी नहीं अभी के डेट में, सिर्फ प्रोसीजर में। 2 महीने से ये खदान प्रोसीजर में है। हम लोगों को बोला गया कि स्थानीय लोगों को हम भर्ती लेंगे, लेकिन गिनती के कुछ लोगों को रख करके, और स्थानीय लोगों की भर्ती भी बंद कर दिया गया और पेमेंट भी कम कर दिया गया, और कुल मिला करके बंधुआ मजदूर जब भी ठेकेदार चाहता है जिसको रख लेता है, जब मन पड़ा तो भगा देता है। तो अभी ये लगातार जो हड़तालें चल रही हैं, इनके संबंध में भी कुछ कहना चाहेंगे क्या, कि भविष्य की लड़ाई है या फिर ये हड़तालें ऐसी चलती रहेंगी? ये भविष्य की लड़ाई तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। आज हम लोग 30 सालों से शोषण सह रहे हैं, 30 सालों से यहाँ बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अब जिस टाइप का इन लोगों ने मजदूरी कराने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं, ये संभव नहीं है कहीं से भी कि अब हम उसको बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा इनकम दिन ब दिन नीचे जाता है, और ये ठेकेदार हमको बढ़ाने की वजह पेमेंट कम करके देता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि इस क्षेत्र में बैठे जो मुखिया मालिक होते हैं, जो कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं या हम इस क्षेत्र के मुखिया हैं, सबसे बड़ी कमी इनकी है, जो हमारे जैसे ठेका मजदूरों को कभी देखते ही नहीं कि इनको मिल क्या रहा है और इनको मिलना क्या चाहिए। पिंटू सिंह जी से थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि पिंटू सिंह जी जो है तो काम कर चुके हैं, और जो यहाँ पर जिस बात की लड़ाई चल रही है कि हमारे अधिकार दो, उन अधिकारों में जो है तो किस तरह की जो है तो बेईमानी होती है। पिंटू जी, आप काम कर चुके हैं, ये जो खाते वगैरह होते हैं या का जो पैसा चढ़ता है, ये क्या है, इनका प्रोसेस क्या है? जी, ये तो मैं पिछले कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। ये पहले जो मैं अतुल वासन में काम किया करता था, उसमें हमारा जो खाता है, वो जो मेरा खाता है वो मेरा खाता नहीं था, बल्कि जो मैं कागज़ निकलवाया था वो अपना वो कोरबा में खुलवाए थे, पूरा खाता वहीं का ATM उसी में था, ठीक है, वो खुद रखे थे कंपनी, और उसको अपना LPC जो बोलते हैं, जो जिससे उनका बिल पास होता है, वो उसमें दर्शा करके फुल पेमेंट ले लेते थे, बाकी जो भी रहा उसको कैश पेमेंट दिया करते थे कम करके। वही नियम यहाँ पर्सनल जो आए थे महोदय साहब, वो बता रहे थे कि खाते में तो जा रहा 1084 रुपया, लेकिन जिसके खाते में जा रहा वो बंदे का खाता है ही नहीं, ठीक है, वो बंदे खाता है ही नहीं, वो खाता कंपनी अपना खुलवाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा, अपना आधार कार्ड वगैरह जमा करता है जिससे खाता खुल सकता है, फ़ोटो आधार कार्ड वगैरह से खाता खुल जाता है, वो ले जा करके किसी अपने पहचान वाले व्यक्ति से खाता खुलवा लेते हैं, ATM सब प्राप्त कर लेते हैं, उसी खाते को SECL में दे देते हैं जिसमें उनका पेमेंट आना है, वैसे ही करते हैं। अब बाकी जो जिस बंदे का ओरिजिनल खाता है वो खाता उसका नहीं रहता है, बाकी जो कंपनी का जब पेमेंट आता है तो उस व्यक्ति को उसके दूसरे खाते में पेमेंट जाता है, जो कि 15,000-16,000 होता है। ये है प्रोसीजर ये लोगों का करने का, कि भाई हम तो खाते में डाल रहे हैं, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है उसे खाते में जा ही नहीं रहा। निकाल लेते हैं जी, जो HPC रेट जो 1084 रुपया है वो तो SECL दे ही रहा है, लेकिन पेच यहाँ फंसता है कि हमारा जो ठेकेदार है वो ऐसा काम करते हैं। बहादुर जी, जब आप काम कर रहे थे, किसी न किसी कंपनी में आप भी काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त कितने घंटे का काम होता था, कितना आपको वेतनमान मिलता था, और क्या सिस्टम लागू होते थे वहाँ पर, और शायद आपको निकाला भी गया काम से, तो क्यों? भैया, सबसे पहले तो मैं सभी मजदूर भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ मैं 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा था, और वहाँ की पेमेंट भी 400-450 के आसपास था जो बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा था। अगर कोई मजदूर अगर वहाँ अपनी अधिकार की बात करता था तो उसको एक सीख मिलता था कि आप लोग अधिकार की बात करते हो, नेता बनते हो, जा सकते हो, छुट्टी कर दिया जाता था। लेकिन आज भी वही चल रहा है सिस्टम, आज भी चेंज नहीं हुआ है, बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है मजदूरों से, ड्राइवर भाइयों से, 12-12 घंटे की ड्यूटी, और ना हमको हाई कमेटी पावर का सुविधा मिलता है, ना BTC, ना मेडिकल, ना CFPF मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो माइंस एक्ट का जो रूल है, जो कानून बनाया गया है, उसमें से हमको एक भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मैं तो यही सभी मजदूर भाई से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो माइंस एक्ट का रूल है, जो
राजपत्र में जो लिखा गया है उसको आप लोग लागू करवाइए, साथ दीजिए, और लागू होगा तभी सब लोग का भलाई होगा, सभी मजदूर के परिवार अच्छे से सुखी अपन जीवन यापन करेंगे। अच्छे जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि MTK वगैरह का क्या क्या सिस्टम है इसका? क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करती है कि एक वर्कर का 15 दिन MTK में हाजिरी लगवाती है, उसी से उनको 1,084 रुपये के दर से 16,000-17,000 जो बनता है वो इनके अकाउंट में डाल दिया जाता है, और 15 दिन उनसे MTK में जो हाजिरी है वो नहीं कराई जाती है। और वर्कर तो यहाँ पूरे 30 दिन वर्क कर रहा है तो उसको उस वही सैलरी शो कर दी जाती है। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि वर्कर 30 दिन काम कर रहा है कि 15 दिन कर रहा है? जो टिप कार्ड होता है या कहीं पे हाजिरी लगता है उसका फ़ोटो खींचें या कोई ना कोई सबूत तो वर्कर को अपने हाथ ही रखना होगा कि जिससे वो प्रूफ कर सके कि मैं 30 दिन काम किया, इन्होंने MTK में 15 दिन की हाजिरी दी। MTK में मजदूर को ले जा कर के व्यक्तिगत हाजिरी नहीं लगवाई जाती, ये लोग एक नाम शेड्यूल पर्ची करते हैं कि मेरे शिफ्ट के इतने वर्कर, उस पर्ची को वहाँ देते हैं और वहाँ MTK वाला हाजिरी लगवा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर जब चाहे जैसे चाहे हाजिरी लगवा सकता है और लगवाता ही है। यही समस्याएं हैं, इसीलिए उनका वेतन पूरा नहीं है। कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, एक तरफ हड़ताल है तो दूसरी तरफ प्रबंधन और तीसरी तरफ जो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो है तो कुछ ना कुछ बदमाशियाँ जो है तो बीच में जो हो रही हैं, खास तौर पर मजदूरों के उस वेतन मान से, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन भी इस बात को स्वीकारता है कि जो हाई पावर कमेटी का पैसा है हम उसके ही आधार पर ही जो है तो हम मजदूरों को देते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि जब हम यहाँ पर मजदूरों से बात करते हैं तो उन्हें ये उनके द्वारा ये बताया जाता है कि 15 दिन की हाजिरी लगती है, वो उन्हीं के माध्यम से ये बताया जाता है कि पेमेंट आधे से भी कम होती है, और उन्हीं के माध्यम से ये बात सामने आती है कि हमारे खाते में जो पैसा आ रहा है वो हाई पावर कमेटी के आधार पर नहीं बल्कि किसी और हिसाब से पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं पर मजदूरों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, और शोषण के साथ साथ जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने भी कभी यहाँ पर के लोगों का भला नहीं चाहा। दूसरी तरफ यहाँ पर एक लड़ाई जो इस विषय वस्तु को लेकर के चल रही है कि यहाँ पर के स्थानीय लोगों को 70% लोगों को काम देने का जो नियम कहता है उस नियम के आधार पर यहाँ पर के 70% मजदूरों को काम देना था, लेकिन वो भी यहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो इस तरह की कुछ स्थितियाँ हैं। तो चलिए, अभी और भी यहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इस हड़ताल को लेकर के देख रहे हैं कि आगे क्या गतिविधियाँ बनने वाली हैं।